वर्णों वाले शब्द जिसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं होता सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब र ग द, जब हम इन चारों वर्णों को मिलाते हैं तो बनता है बरगद। श ल ज म, इन चारों वर्णों को मिलाने से बनता है शलजम। त र क श, तरकश। ब र त न, बर्तन। त म टमटम। क स र कसरत। ख त म ल खटमल। उ ब ट न उबटन। थ र म स थर्मस। श र ब त शरबत। क ल कटहल। अ द र क अदरक। प न घ ट पनघट। उ प व न उपवन। ल ता ना पलटन। स र क स सर्कस। अब हम चार वर्णों से बने कुछ और शब्द सीखेंगे। था र म स थर्मस। स र क स सर्कस। अ म र स अमरस। ब र ब स बरबस। अ ज ग र अजगर। ह ल ध र हल्दर। आ र ह र अरहर। थ ल च र थलचर। ध म क ल दमकल। म ल म ल मलमल। ख ट म ल खटमल। ह ला च ल हलचल। ब र त न बर्तन। अ च क न अचकन। उ प व न उपवन। उ ब ट न उपटन। क ट ह ट
कटहल, क ल क ल कलकल, म ल म ल मलमल, प र व ल परवल, ब च प न बचपन, प च प न पचपन, उ ल झ न उलझन, प ल ट न पलटन। अब हम दिए गए चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाएंगे। चित्रों को उनके नामों से सुमेल कीजिए। जैसे कि इसमें उ ब ट न उपटन को पहले से ही मिलाया गया है। अब हम खटमल, खटमल को उसकी चित्र के साथ मिलाएंगे। तो चलिए हम उसका मिलान करते हैं। इस तरह से त र क श। अब हम तरकश को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से उपटन पहले से ही मिलाया गया है। ब र त न बर्तन। अब हम बर्तन को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से ब च प न। अब हम बचपन को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से द म क ल। अब हम दमकल को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से थ र म स। अब हम थर्मस को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से बा र ग द। अब हम बरगद को उसके चित्र के साथ मिलाएंगे। इस तरह से अब हम चार वर्णों के शब्दों से बने वाक्य सीखेंगे। पनघट, शबनम व मनहर पनघट चल। शबनम नटखट मत बन। झटपट पनघट चल। कलश रखकर जल भर। तरकश रखकर चल। गणपत गणपत उठ कसरत कर। गणपत अब उपवन चल। उपटन मल। अचकन पहन। चमचम वा शलजम चख। अब झटपट कसरत कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।